हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। एंड ऑफ कोर्स मैं ही नासिर हूं। एक पुरानी कहावत सुनी होगी ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो आज ऐसा ही कुछ मजा आने वाला है, बिकॉज आज जो मेरे गेस्ट है, यूजुअली पासा पलटा हुआ होता है, लेकिन आज मैंने पासा पलट दिया। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मिलते हैं। क्या करते हैं वो नहीं बताऊंगा, मैं सीधा नाम बताऊंगा, बिकॉज करते क्या है वो मैं उनसे पूछूंगा। उज्जवल त्रिवेदी से। हाय नासिर। हाय उज्जवल, हाउ आर यू? थैंक यू सबसे पहले। एंड जैसे मैंने कहा कि आप पासा पलटा हुआ है, बिकॉज अक्सर आप लोगों का इंटरव्यू करते हैं, तो मैं इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया कि क्या करते हैं आप, बिकॉज मैं खुद जानना चाहता हूँ। बिकॉज शुरुआत तो आपने ऐसे जर्नलिस्ट की थी। जी जी। तो वो जर्नी वहां से शुरू हुई, उसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन अब आप अपना खुद का एक चैनल चला रहे हैं। सो मैं जानना चाहता हूँ कि चलो एक नया वर्ड निकालते हैं आप और मैं। जैसे अभी रिसेंटली उसने निकाला ना, जस्टिन ट्रूडो ने, द ब्रोकनिस्ट। यस। तो वैसे हम एक नया वर्ड निकालते हैं कि जब एक जर्नलिस्ट अपनी न्यूज बना के देता है, तो इज ही कॉल्ड अ जर्नलिस्ट इन्फ्लुएंसर? अब ये लोगों के ऊपर है। मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आपने वाकई आज पासा पलट दिया है। अक्सर मैं सवाल पूछता हूँ और मुझे इंतजार होता है कि सामने से क्या जवाब आएगा। अब मैं इधर बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि पता नहीं सामने से क्या सवाल आएगा, बट इंटरेस्टिंग है ये। सो मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, जैसे नॉर्मली हम न्यूज़ चैनल्स के साथ शुरुआत करते हैं, 20-21 साल की उम्र में मैंने अपना करियर शुरू किया था, और करीब 20 साल मैंने अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के साथ काम किया। फिर लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जब ये लगा कि खुद का करना चाहिए कुछ, तो शुरू किया। और जब अपनी बातें अपने तरीके से अपने अंदाज में लोगों को बतानी शुरू की, तो लोगों ने कहा कि मज़ा आ रहा है। तो फिर ये जो मेरे सर पे एक एक सफ़ेद बाल हैं, इनके सारे हिसाब किताब मैंने लोगों को बताने शुरू किए कि कैसे क्या क्या कुछ हुआ। तो इंटरेस्टिंगली एक एक बाल एक एक न्यूज़ है, यू कैन से। एक्चुअली हुआ क्या कि इतने 20 साल काम करने के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपको पता होता था लेकिन आप नहीं बता सकते हैं, या उस तरह से नहीं बता सकते। देखिए, जब आप एक जर्नलिस्ट की नौकरी करते हैं तो चैनल का पूरा एक ऑफिस है जहां आपको सैलरी मिलती है, और कई बार एडिटोरियल डिसीजंस आपके नहीं होते हैं, आपको बताया जाता है कि फलां का इंटरव्यू करना है। तो एज अ जर्नलिस्ट आपका काम होता है न्यूज लेकर आना जी, या वो आपको बताते हैं? देखिए, दोनों चीजें होती हैं। आइडियाज जर्नलिस्ट भी सजेस्ट करता है और न्यूज चैनल की जो टीम होती है वो भी बताती है, और कई बार मिल बैठकर ही वो डिसाइड होता है कि हमें ये करना है। लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन होता है कि चैनल पर क्या परोसा जाएगा, किस तरह से परोसा जाएगा, वो तो एडिटर्स का होता है। अच्छा, वो जर्नलिस्ट का नहीं होता? वो हम लोग लेकर आते हैं। हमारा काम है बाजार में जो अवेलेबल है, जो हो रहा है, उसमें से हम अपनी तरफ से एक, मतलब एक कहते हैं ना, एक हमारी अप्रोच है कि क्या लेकर आना है, हमने सामने रखा। कई बार हमारी लाई हुई चीज़ों को उस तरह से नहीं रखा जाता जिस तरह से वो लाई गई हैं। उसमें कई बार मिर्च मसाला ऐड भी किया जाता है, कई बार मिर्च मसाला कम भी किया जाता है, बहुत कुछ होता है। अच्छा, तो मतलब जैसे सेलिब्रिटीज को फील होता है कि मैंने ऐसा इंटरव्यू दिया था, हाँ, और ये छपा ऐसे। मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये बताया जाता है कि सामने वाले को थोड़ा भड़का देना है, थोड़ा उसको ब्लास्ट होना चाहिए, हेडलाइन आनी चाहिए। हाँ, ऐसी चीजें बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। और कई बार सेलिब्रिटीज उस, आई विल नॉट यूज द वर्ड झांसा, नॉट इवन चालाकी, बस बट इंटेलिजेंस, हाउ यू नो हाउ टू गेट दैट न्यूज आउट, तो उसमें वो आ जाते हैं। ना सिर्फ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार यहाँ दो तरफा होता है। कई बार सामने जो सेलिब्रिटी है या सामने जो एक्टर है उसको भी मसाला चाहिए होता है। मान लीजिए उसकी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हो रहा है या उसके करियर में बड़ा नहीं हो रहा है, तो कई बार वो जानबूझकर भी उस, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया था, झांसा, उसमें फंसना चाहते हैं कि चलो थोड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। ऐसा भी हुआ है, मेरा ऐसे रिएक्शन था कि मुझे पता नहीं है, बट देना पड़ता है कि ओह अच्छा, मुझे सब पता है, ऐसा भी होता है, बट रिएक्शन देना पड़ रहा है, बिकॉज़ अब मैं इस तरह बैठा हूं। और एक मोमेंट ये भी होता है कि जब आप सामने वाले से सवाल पूछ रहे हैं और उसकी आंखों में आ जाता है कि मुझे इसका क्या जवाब देना है, क्या बोलूंगा तो क्या होने वाला, ये सारी चीजें उसकी आंखों में दिखने लगती हैं। लेकिन वो भी उसका पार्ट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी को कोई पनिशमेंट तो होने वाली नहीं है, कोई अदालत तो सजा सुनाने वाली नहीं है। अगर कहीं कुछ एक इंटरव्यू में ब्लास्ट हो भी गया तो दोनों को मसाला मिलता है, चैनल को भी मिलता है और सामने वाले को भी मिलता है। और आपको पता है इंडिया में लोग 2-4 दिन में सब भूल जाते हैं, लेकिन वो 2-4 दिन में कई सारे काम भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, पब्लिसिटी मिल जाती है,
कोई ब्रांड वगैरह साइन कर लेता है, ऐसी चीजें भी हो जाती है। ओके okay. ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभी दिशा में हम जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं शायद पहली बार सुन रहे हैं ऑल दीज थिंग्स कमिंग फ्रॉम अ जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर जर्नलिस्ट, बिकॉज अभी आजकल इन्फ्लुएंसर का दौर चला है। सबने अपना अपना चैनल खोल लिया है, कोई मैंने भी अपना ही खोल लिया है, कोई खाने के बारे में बता रहा है, कोई म्यूजिक के बारे में बता रहा है, कोई अपनी घर की कहानियां बता रहा है, आप न्यूज बता रहे हैं जी, तो वो तो इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं, फूड ब्लॉगर्स। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी तक हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया कि जैसे उज्जवल त्रिवेदी है, अब वो जर्नलिस्ट तो है ही, बट वो खुद का कर, तो विल यू बी एन इन्फ्लुएंसर जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट इन जर्नलिस्ट ब्लॉगर, क्या हो, क्या वर्ड है? मैं नसर आपको साफ बोलूंगा कि मैं आज भी खुद को जर्नलिस्ट ही कहता हूं। अगर इन्फ्लुएंसर कोई कह रहा है तो सामने वाला कह रहा है, मैं कभी अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मैं जर्नलिस्ट ही हूं। आप अगर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है और वो मुझे बुलाना चाहता है इन्फ्लुएंसर के तौर पर तो उसका स्वागत है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं तो खुद को जर्नलिस्ट बुलाता हूँ। लेकिन हाँ, सामने वाला बोल सकता है कि यू आर एन जर्नलिस्ट इन्फ्लुएंसर या आप न्यूज़ इन्फ्लुएंसर हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं खुद को जर्नलिस्ट बुलाता हूँ। तो हम इन चीज़ों पर बाद में आएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 20-25 साल पहले आपके करियर की शुरुआत हुई थी, तो जर्नलिज्म ही क्यों, जो जवानी में था या बचपन था, क्या मुझे यार ये बनना है? आप तो अच्छे खासे हैंडसम गुड लुकिंग हो, तो आप एक्टर भी बन सकते थे। हाँ, इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरा जो पालन पोषण हुआ है वो उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में हुआ, और जैसा कि झुमका मिला, झुमका नहीं मिला, झुमका आप टांग दिया बरेली वालों ने आजकल शहर के बाहर, मैंने सुना एक बहुत बड़ा झुमका टांग दिया था, ये हमारे टाइम में नहीं था। अभी मैंने रिसेंटली रजा मुराद साहब का एक क्लिप देखा था, रजा साहब गए थे, उसमें रजा साहब बता रहे थे कि वो तो हमारे बरेली के पास के ही हैं, रामपुर के हैं वो। सो उस दौरान हमारे देश की, मुझे मालूम है नासिर आप पॉलिटिक्स पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि इसका जन्म, मेरे जर्नलिज्म का जन्म पॉलिटिक्स से हो रहा है, इसलिए एक लाइन का मेंशन करूंगा। उस टाइम पे मंडल आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हो रहा था ना कि कास्ट सिस्टम रिजर्वेशन, ये 20 साल पुरानी बात है, दिस इज आई एम टेलिंग यू 1990s की। उस समय मुलायम सिंह यादव जी हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर होते थे, और एक मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसमें ये कहा गया कि रिजर्वेशन होगा। अच्छा, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था और मुझे था कि किसी तरह से पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करनी होगी, उस टाइम पे यही होता था छोटे शहरों में, बरेली वगैरह में यही होता है। तो मुझे लगा कि यार ये जाति पाति का चक्कर कहाँ से शुरू हो गया यार, मैं तो, मुझे कोई नौकरी दे दो अब इसमें भी रिजर्वेशन आएगा। तो मैंने गुस्से में एक लेटर लिखा, वो लेटर मुख्यमंत्री जी के नाम था, और मैं हाथ से लिखा लेटर, और दैनिक जागरण एक अखबार होता था वहाँ पर, अभी भी है, मैं वहाँ के लेटर टू एडिटर सेगमेंट में डाल आया, बस ऐसे गुस्से में लिख कर। और 3-4 दिन बाद वो लेटर छप गया, मेरे दोस्तों से ने पढ़ा, क्योंकि उसके नीचे नाम लिखा हुआ था मेरा, सबने आकर बताया तेरा नाम छपा है, मेरा नाम छपा है, हाँ यार ये गुस्से में लेटर तो लिखा था। उसको पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार मेरा तो दिल का गुस्सा था ये, और ये अखबार में छप गया। सो वहाँ से मुझे कुछ एक ऐसा किक मिला कि यार अब तो मैं हर चीज़ पर लिखूंगा। तो वहाँ से मैंने फिर लिखना अखबारों में लिखना शुरू किया अपने शहर में। कितने साल के थे आप? मैं 16 साल का रहा, आई एम 78 बॉर्न, ये 94 की बात है। वो नहीं था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना नहीं, है, वो नहीं था, सिर्फ वो छप के पढ़ के कि यार ये तो मैंने जो सोचा था, मैंने लिखा है, वो छप गया, आप सब पढ़ रहे हैं, तो मतलब आई कैन डू दैट। यस, और लिखने का शौक मुझे था, मैं ही नहीं कहूंगा लिखने का शौक नहीं था, लिखने का मैं पोएट्री वोएट्री भी लिखता था, जैसे कि आप देखिए ना, अगर आपके माँ बाप, आई थिंक जब आप, आपके माँ बाप जब आप छोटे थे तो आई थिंक आपके माँ बाप बोलते थे कि फिर वो छपने लगा, फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स, दिल हल्का हो गया और जेब भारी होने लगी। जेब भारी नहीं, जेब भारी होने की शुरुआत काफी बाद में हुई, लेकिन हाँ लगा कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। फिर वो कीड़ा चढ़ गया, जैसे वो एक्टर्स को कीड़ा काट लेता है, ऐसे लिखने वालों को भी कीड़ा काट लेता है। बट 90% एक्टर्स को दूसरे कीड़े कटवाते, तू तो अच्छा एक्टर बन जा। हाँ, दूसरे काटते कटवा देते कटवा देते, कट गया क्या, फिर बोलता है इसकी तो कट गई। तो सो इट्स, एंड योर पेरेंट्स देवर, मेरे पापा का टाइपराइटर का एक बिजनेस था जो काफी, मतलब चलता नहीं था, लाइक बट सी अगर आप कनेक्शन जोड़ोगे तो लिखने का आ रहा है कि पहले तो टाइपराइटर पे सब चीजें, यस यस यस,
लेकिन जब जब मेरा मतलब जब हम बड़े हो रहे थे ना, टाइपराइटर का बिजनेस नीचे जा रहा था और एक्चुअली हमारी, मैं बड़ा खुलकर बताता हूँ इस बारे में, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं नौकरी के बारे में सोच रहा था कि नौकरी मुझे मिल जाए, क्योंकि तब तक कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए थे 90s में, कंप्यूटर्स बैंक वगैरह में आने शुरू हो गए थे, इतना ओपनली नहीं आए थे मतलब सब जगह। फिर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, मैं 20 साल का हुआ, मेरी मम्मी की डेथ हो गई और फिर मैं अपने शहर बरेली से निकला, दिल्ली आया, और तब तक मुझे हो गया था कि मुझे तो पत्रकार ही बनना है, मतलब चाहे जो हो जाए। और वहाँ पर मुझे जी न्यूज़ में एक इंटर्नशिप करने का मौका मिला, फिल्म सिटी नोएडा में जो स्टूडियो था, तब आई थिंक नया नया खुला होगा। बिल्कुल नया खुला था, मैं 1999 की बात बता रहा हूँ आपको, जुलाई 1999 की, उस वक्त मेरी उम्र थी 21 साल। वहाँ मैंने जो इंटर्नशिप की एक महीने की, वहाँ मुझे लगा यार हाँ मैं तो न्यूज़ चैनल में काम कर सकता हूँ। वो एक महीने काम करके आपको जोश जवानी में कुछ ज़्यादा ही होता है, आप आधा करते हैं और बाकी जो न्यूज़ आप रिपोर्ट करते थे वो किस टाइप की न्यूज़ नहीं, वहाँ पर हमको लिखना सिखाया जा रहा था, अभी मैं वहाँ पर फील्ड में नहीं उतरा था। अच्छा, तो अंदर कैसे न्यूज़ प्रोडक्शन होता है, बेसिकली आई वॉज अ पार्ट ऑफ न्यूज़ प्रोडक्शन, रिपोर्टर तो नहीं था मैं वहाँ पर। एक महीने में मैंने ये सीखा कि खबर कैसे चलाई जाती है, कैसे लिखी जाती है, कैसे न्यूज़ रीडर्स को पढ़ते हैं, कैसे एडिट होता है, कैसे उस पर विजुअल्स लगते हैं, उसकी फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, ये जो एक स्ट्रक्चर होता है ना पूरा, जैसे आप फिल्म बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे न्यूज़ का भी एक स्ट्रक्चर होता है, भले 2 मिनट की स्टोरी है, स्टार्ट मिड एंड, वो वहाँ पे मुझे न्यूज़ प्रोडक्शन बहुत क्लियर हो गया। लेकिन 99 में मैंने उस ज़माने में आँखों देखी आता था नलिनी सिंह जी का, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे न्यूज़ कैप्सूल्स आते थे, विनोद दुआ साहब वहीं होते थे, ऐसे कई सारे, राजीव शुक्ला का भी एक वो था, रूबरू आता था उस वक्त में। तो मैंने सब जगह अप्लाई किया लेकिन मेरी कहीं दाल नहीं गली, मतलब वो जो जी न्यूज़ की एक महीने की इंटर्नशिप थी, मुझे लगा कि इसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे दिल्ली में कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। मैं मायूस होकर वापस आ गया बरेली, अब फ्रस्ट्रेट रहने लगा कि भाई बरेली तो वापस आ गए, अब यहाँ बरेली में तो अखबार थे, वहाँ तो कोई टीवी चैनल भी नहीं था और सब नया नया हो रहा था, सुन रहे थे। तो किसी ने सलाह दी कि यार बॉम्बे जाकर ट्राई करो, तो मुंबई आया। अच्छा, लिखने का शौक था तो यहाँ मुंबई में भी मुझे लिखने का काम मिला, एक गुरुजी टेलीफिल्म्स करके एक प्रोडक्शन हाउस था, वो अपराजिता और अर्धांगिनी ये सीरियल्स बनाते थे, तो वहाँ पर मुझे एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल गया, 100 रुपये रोज़ मिलते थे। मुझे लगा शायद यहाँ कुछ लिखना सीखूंगा, लेकिन वहाँ कुछ और ही हो रहा था। मैंने कहा नहीं यार, फिक्शन मेरी जगह नहीं है, मुझे तो न्यूज़ का शौक है। रियल एक होता है ना, जब आप 20, 21, 22 साल की उम्र में होते हैं तो आपको एग्जैक्ट रोड मैप नहीं पता होता है, बस कुछ करना है, लिखना है। अब न्यूज़ में लिखना और सीरियल में लिखना अलग होता है। वो यहाँ पर 7-8 महीने काम किया, फिर छोड़ दिया। छोड़ा उसके 1-1.5 महीने बाद यहाँ पर एक लोकल चैनल होता था इन मुंबई, अभी भी नहीं, अब नहीं है शायद, वो बंद हो गया, अब हिंदुजाज का था, इन टाइम न्यूज़ आती थी लोकल, वो वीडियो कैसेट पर करेंगे। वहाँ मुझे मौका मिला, नाइट शिफ्ट में काम किया मैंने 2 साल, पूरा न्यूज़ प्रोडक्शन समझ लिया वहाँ पर। वहाँ से मुझे मतलब पूरा चस्का लग गया था कि नाउ आई एम अ न्यूज़ पर्सन। वहाँ से जर्नी अच्छी रही, बर्तन साफ कर रहा है, ठीक चलिए। तो इन टाइम में काम करते करते ये समझ में आ गया था कि न्यूज़ करना है। पैसे वहाँ बहुत कम मिलते थे, तो रात भर काम होता था, इनका दिन भर काम हो रहा है। ये कल इसी से पीटा होगा, डेंट लग गया होगा, इसको ठीक कर रही है। मुझे लंच बनाना है। मुझे इस पर याद आ रहा है, एक टाइम ऐसा भी था, मैं एक तबेले के ऊपर न्यूज चैनल में काम करता था, तो नीचे एक गाय बोलती थी एक्चुअली अच्छा, इन टाइम में क्या था, मुझे रात की नौकरी मिली हुई थी, उस जमाने में मुझे 4,000 रुपये मिलते थे, 800 रुपये में मेरा एक स्टोर में रहने का इंतजाम था, माटुंगा में स्टेशन के बाहर। फिर से ठक ठक ठुक ठुक, बहुत बिजी आज, थोड़ा रुकी ले, ठक ठक की आवाज़ हो रही थी, इससे मैं आपको एक किस्सा भी सुनाने वाला हूँ आगे, लेकिन पहले मैं आपको अपनी उस वक्त की हालत बताता हूँ जब मैं इन टाइम में काम कर रहा था। तो 4,000 रुपये की मुझे सैलरी मिलती थी और एक स्टोर में मुझे चटाई बिछाने की जगह मिली हुई थी जहाँ मैं जाके सो जाता था। अब दिन का एक हिस्सा काफ़ी बचता था काम करने के लिए, तो उस ज़माने में बॉम्बे में ना नए नए न्यूज़ चैनल्स आ रहे थे, कौन से केबल चैनल्स जो लोकल VHS पे चलते थे, दोपहर में आते थे, हाँ, तो मैंने वहां पर जाकर काम मांगना शुरू किया, जिस पे हम लोग लॉटो शो करते थे
एग्जैक्टली मैंने आपको देखा था, साजिद ने भी किया था, उस ऑफिस में देखा था मैंने, साजिद ने भी किया था, मैंने भी किया था, चलते थे मुझे सीबीओ पे चलता था आपका शो, हां तो सीबीओ इन टाइम लॉटो शोज वगैरह, सो मैं वहां जाकर मैंने, क्योंकि मुझे लिखने का चस्का था, तो फिर मैंने ऐसे छोटे छोटे कई सारे चैनल्स में 4 घंटे 5 घंटे जाकर लिखना शुरू किया। रात में तो इन टाइम में काम करता था, मैगजीन्स में लिखना शुरू किया। ऐसा ही एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं एक ऐसे न्यूज़ चैनल में काम चल रहा था जिसमें नीचे डेरी थी, तबेला था, गाय भैंस बंधी थी, और ऊपर हम लोग न्यूज़ रिकॉर्ड करते थे। अब आप सोचिए कि नीचे गाय मैं या भैंस की आवाज़ें जो होती हैं और उसके बीच में हमें न्यूज़ भी रिकॉर्ड करना है, मतलब ऐसे कैमरा पे प्रॉपर, मतलब लोकल कैप्सूल्स, मतलब मैं आपको जो पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ, यहाँ पे बॉम्बे की लोकल न्यूज़ के कैप्सूल्स बन रहे हैं, अंधेरी में क्या हुआ, बांद्रा में क्या हुआ, कुर्ला में क्या हुआ, वो VHS जाएंगे केबल वालों पर, वो चलेंगे, मैं उस लेवल के न्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का है। तो वहाँ पे बड़े अलग अलग एक्सपीरियंस हुए कि यार तबेले के ऊपर भी न्यूज़ चैनल चल सकता है, और चलाया हम लोगों ने, न्यूज़ मेकर्स उसका नाम था, एक वैदही तमन करके एक महिला होती थी पत्रकार, वो चलाती थी। तो ऐसे मुझे कई जगहों पर काम करने के मौके मिले, लेकिन ये सब कुछ जो था ना बहुत लोकल केबल न्यूज़ लेवल पे हो रहा था। तो एक बार मन में ये आया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोकल केबल न्यूज़ में काम कर रहा हूँ, मतलब सैटेलाइट पर कब जाऊँगा। एक दिन अपनी किस्मत खुली, मौका मिला जी न्यूज़ में, जी न्यूज़ में हो गया। जी न्यूज़ में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ ही था कि कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी का देहांत हो गया, और मुझे पहली बार कैमरे के सामने लाइव खड़ा कर दिया सैटेलाइट टेलीविजन पर। अब तक मैंने लाइव नहीं किया था, मैं लोकल केबल न्यूज़ और कैमरा और ये लाइव कैमरा के सामने नेशनल न्यूज़ पे, क्योंकि तब तक मेरी एक पहचान ये बन गई थी कि इस लड़के की हिंदी बड़ी साफ है, यूपी से आया, साफ हिंदी बोलता, तो मुझे ये था कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं आपको सुनानी है, क्योंकि पूरा माहौल वही था, बच्चन साहब के पिताजी का देहावसान हुआ था, तो मैंने वो कविता पाठ करना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि शायद न्यूज़ इंडस्ट्री में हमारी फ्रेटर्निटी में मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे लोगों ने देखा एक 22-23 साल का लड़का है जो इतनी शुद्ध हिंदी में कविता पाठ कर रहा है और बिल्कुल धारा प्रवाह हिंदी बोल रहा है। तो जी न्यूज़ में ये हो गया कि ये लड़का कौन है। अच्छा, आमतौर पर क्या था कि मुंबई में ड्राइवर है, मेरा ड्राइवर खाना लेने जाएगा, ड्राइवर है वहाँ गाड़ी में, वहाँ पार्क करता हेलीकॉप्टर वहाँ पार्क। अच्छा तो बड़ा दुख होता है जब ऐसे ड्राइवर मेरा घूमता है ना, उस पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बड़ा बैटरी पे नहीं चलता ये। मैं सोच रहा हूँ कि सोलर फैन लगाता। अच्छा, वो पास में भी है ना, तो पास में भी है तो पास चले। एक दो बार उसने ठंड लगी थी, उसने फैन ऑफ भी कर दिया था, हवा हवा ले लेता होगा ना। चलिए, हरिवंश राय बच्चन साहब का देहावसान हुआ, मुझे सामने खड़ा कर दिया, मेरी लाइफ का पहला लाइव सैटेलाइट कैमरे के सामने आप खड़े हैं और आप कविता पाठ कर रहे हैं। तो न्यूज़ इंडस्ट्री में ये हुआ कि यार मुंबई में आमतौर पर साफ हिंदी बोलने वाले पत्रकार नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, ये लड़का कौन है, इसको बढ़ाओ आगे। तो उस वक्त जी न्यूज़ से मेरी एक पहचान बननी शुरू हुई। फिर उसके बाद मुझे NDTV में मौका मिला, फिर मुझे स्टार न्यूज़ में मौका मिला, फिर मैं CNBC आवाज़ सब कैमरा के सामने, सब कुछ कैमरा के सामने था। आई वॉज डूइंग रिपोर्टिंग एंड इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा, नॉट स्टूडियो इंटरव्यू, स्टूडियो नहीं, आप बाहर जाइए इंटरव्यूज कीजिए, जैसे हम लोग इसे करते, हाँ जैसे हम लोग। तो आप किस किस के, मतलब सेलिब्रिटीज होते थे, पॉलिटिशियंस होते थे, कौन लोग होते थे? सेलिब्रिटीज ही होते थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, हाँ मैं बताता हूँ, मैं पॉलिटिक्स या जनरल न्यूज़ कम क्यों कर रहा था, उसका भी एक कारण था, क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती थी, और अगर आप सरकारी काम के लिए कहीं जाते हैं महाराष्ट्र में, अगर आप मंत्रालय गए हैं या आप किसी पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, तो आपको मराठी अच्छी आनी चाहिए। और मैं, मेरी तो एजुकेशन यूपी में हुई थी, मुझे तो हिंदी या अंग्रेज़ी आती थी थोड़ी बहुत। तो फिर ये हुआ कि यार तुम बॉलीवुड करो, तो बॉलीवुड इस तरह से मेरी झोली में आके गिर गया। जैसे मैंने कहा ना, हरिवंश राय बच्चन साहब का देहावसान हुआ तो किसी को नहीं पता था ऐसा होने वाला है, मैं ही था, मुझे ही भेज दिया गया। फिर वहाँ पे वो बॉलीवुड वाले सेगमेंट में ही चला, क्योंकि बच्चन साहब के फादर हैं। फिर कहा गया इसको भेजो, बॉलीवुड फिल्म पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू करेगा, स्टोरी निकालेगा। तो ऐसे करते 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 वो बॉलीवुड एक्चुअली मेरी झोली में गिरा। अब आप सोचिए, मुझे अगर नौकरी दिल्ली में मिल गई होती तो मैं शायद बॉम्बे नहीं आता, दिल्ली मेरे होम टाउन से पास में था और मैं वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह कर चुका था। तो इस तरह से, मतलब बॉलीवुड दिल्ली में एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के मालिक होते। अरे कहाँ, अब जी न्यूज़ में नोएडा में काम करे, खुद का बहुत बड़ा स्टूडियो खोल लेते, 500-600 acres का, और 2-3 हजार crore के मालिक होते शायद। होते होते बॉलीवुड आ गया। फीलिंग रियली बैड।
कि क्यों क्यों आया अब यहाँ पर ये था कि अच्छा चलिए फिल्मी दुनिया, फिल्में देखने का शौक था, ऑब्वियसली मैं फिल्में भी देखता था, फिल्मों की समीक्षा किसके फैन थे? मैं बच्चन साहब का फैन था। आपने कभी उनका इंटरव्यू किया? हाँ, बच्चन साहब का इंटरव्यू किया। एंड कैसा था वो फर्स्ट एक्सपीरियंस? बच्चन साहब के कई इंटरव्यू किए, लेकिन एक यादगार इंटरव्यू है, वो उसका मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। होली से 10-12 दिन पहले की बात है, मुझे मेरे चैनल से फरमान मिला, मैं स्टार न्यूज़ में काम करता था, कि आपको बच्चन साहब का होली इंटरव्यू करना है। अब होली तो है 12 दिन बाद, और बच्चन साहब का एक इवेंट आता है, कोई अवार्ड फंक्शन का कुछ अनाउंसमेंट वगैरह था JW मैरियट जुहू में। मुझे बोला गया कि आप वहाँ पे होली इंटरव्यू करिए। तो मैंने कहा बच्चन साहब सूट बूट में आएंगे, होली है 12 दिन बाद, अब मैं होली इंटरव्यू करूँ कैसे? तो दिमाग ये दौड़ाया कि हम अपने टीम के साथ गुलाल रख कर ले गए, एक प्लेट तैयार हुई बाकायदा जिसमें गुलाल रखा गया 4 कलर का। और ये हुआ कि ये बच्चन साहब के साथ इंटरव्यू करते वक्त, जैसे बच्चन साहब जब बैठेंगे तो बीच में गुलाल रख देंगे प्लेट में, तो थोड़ा फील आ जाएगा ना, वो रशियन कैमरा करेगा है ना, पूरा फील आ जाएगा, थोड़ा बहुत सवाल पूछ लेंगे होली पर। सिलसिला का गाना तो है ही बच्चन साहब का, जिसपे आज भी होली मनाई जाती है। मेरा नंबर आया, वहाँ कई सारे जर्नलिस्ट के इंटरव्यू होने थे, एक ही सोफा पर ऐसे बाजू बाजू में मैं और बच्चन साहब बैठे, तो इस तरह से बैठना था। तो मैंने कहा सर बस एक रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ गुलाल रखूँगा। बोले गुलाल क्यों? मैंने कहा सर वो होली पे कुछ सवाल हैं और वो गुलाल होगा तो फील आ जाएगा। ऐसे करके उन्होंने मतलब ना हाँ कहा ना ना कहा, तो हमने रख ही दिया। अब इंटरव्यू शुरू हो उससे पहले मैंने कहा सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। बोले बोलिए। मैंने कहा सर मैं एक आपको टीका लगा सकता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, एक सब क्या टीका वीका कुछ नहीं, आप इंटरव्यू करिए बस। तो खैर मैंने इंटरव्यू किया और जाहिर है होली पर भी सवाल हुए, उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिए, सब कुछ होने लगा। और उसके बाद मैंने अपने इंटरव्यू की क्लोजिंग करने जा रहा था कि ये थे बच्चन साहब जो हमसे बात कर रहे थे, मैं क्लोजिंग कर ही रहा था, कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक से बच्चन साहब ने कहा एक मिनट रुकिए, आपने कहा था आप हमारे टीका लगाएंगे, आपने टीका क्यों नहीं लगाया? आई वाज लाइक मतलब वो सूट बूट में बैठे हैं, होली 12 दिन दूर है, मना कर चुके हैं और खुद कह रहे हैं। तो मैंने कहा सॉरी सर मैं भूल गया, मैं उसको ऐसे ही करा कि मैं ये तो नहीं कह सकता था कि सर आपने मना किया था। मैंने उनको तिलक किया बच्चन साहब को, और बच्चन साहब ने भी दोनों हाथों से मेरे चेहरे पे गुलाल लगाया। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि 12 दिन बाद होली है, होली का कोई शूट नहीं है, मतलब नहीं है, वो तो हमारे चैनल को चाहिए बच्चन साहब का होली इंटरव्यू। हर चैनल में डिमांड आती है यार शाहरुख का ना दिवाली वाला इंटरव्यू लाओ, इसका ये वाला इंटरव्यू लाओ, ये सब आता है हम लोगों के पास। तो वो इंटरव्यू मुझे इसलिए याद रहा कि वो बच्चन साहब ऐसे। तो आज भी ऐसा होता है वे चैनल टेल्स के ऐसे चाहिए, या आज की तारीख में स्टार्स के पीआर की जो टीम है वो एक्सरसाइज करती है? बिकॉज अभी पीआर भी एक मशीनरी आ गई है बहुत तगड़ी। नासिर भाई आपने ऐसा सवाल मुझसे पूछ लिया ना जिसपे मैं किताब लिख सकता हूँ, तो मैं आपको इसका जवाब तो जरूर ही दूंगा। एक सेकेंड एक टाइम था बॉलीवुड में जब ये इंडस्ट्री, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मतलब बॉलीवुड न्यूज़ रिपोर्टिंग की, जर्नलिस्ट और न्यूज़ चैनल के हिसाब से कहानियाँ चलती थी, स्टोरीज चलती थी। फिर धीरे धीरे पीआर का जो है शिकंजा कसता गया और आज पीआर के हाथों में ही है सब कुछ। बड़े बड़े जर्नलिस्ट पीआर को फ़ोन करते हैं। नासिर भाई मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने वो ज़माना देखा है जहां स्टार्स जर्नलिस्ट को फ़ोन करते थे, और मैं नाम लेकर बताना चाहूंगा, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन, महिमा चौधरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सामने से फ़ोन किया है कि हमारा इवेंट है आपको आना है, पीआर ने फ़ोन नहीं किया है। और ये वो ज़माना था जब व्हाट्सएप नहीं होता था। बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग जानते हैं, आप आई एम श्योर 100% पहले डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था। यस, गोपाल पांडे जी को अगर आप जानते हो, शायद फ्रेटर्निटी के लोग ही जानेंगे, गोपाल पांडे जी मेरे से 40 साल बड़े रहे होंगे, हाथ जोड़कर बुलाते थे, जो बच्चन साहब का पीआर देखते थे, ठाकरे साहब का देखते थे, सबका देखते थे, बड़े बड़े लोगों का, वो हाथ जोड़कर बुलाते थे मीडिया को। और आज के पीआर जिस तरीके से ट्रीट करते हैं मीडिया को, थैंक गॉड मैं अब न्यूज़ चैनल्स में नहीं हूँ, वरना सिनेरियो बदल चुका है। तो ये जो मैंने नाम लिया आपको, इन सब के कॉल्स मैंने रिसीव किए हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ, उस वक्त के बहुत सारे जर्नलिस्ट जिनको इनके कॉल जाते थे, आपको नॉर्मल चीजें थी, नॉर्मल हम ये कर रहे हैं, आपको आना है।
ये होता था, लेकिन अब पूरा सिनेरियो बदल गया और मुझे लगता है कि वो टाइम ज्यादा अच्छा था। और अब पीआर डिसाइड करते हैं, डिक्टेट करते हैं रादर कि क्या आप सवाल पूछे जाएंगे, क्या छपा जाएगा, ऐसा होता है। मैं आपको इससे आगे बढ़कर और भी कुछ बताना चाहता हूं। किसी भी खबर को कंफर्म करने के लिए, अगेन मैं नाम लेकर बताऊंगा, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय तब बच्चन नहीं बनी थी, प्रियंका चोपड़ा, जैकी श्रॉफ, कुछ हद तक गोविंदा, महिमा चौधरी, रवीना टंडन, किसी लेवल तक करीना कपूर भी खुद फोन करके आपकी खबर पर कंफर्मेशन या नो कमेंट्स, फोन नहीं तब एसएमएस चलता था एक्चुअली, फोन गलत बोल रहा हूँ, एसएमएस पर आपको रिप्लाईज आते थे, आपको कंफर्मेशन मिलती थी, आपको 100% वहां से इंफॉर्मेशन आता था ये खबर सही है या नहीं, क्योंकि कई बार खबरें चलती थी तो हम लोग सीधा कंफर्म करते थे। तो आप मैसेज करते थे कि ये आपके बारे में पता चला है, एसएमएस करते कि ये पता चला है, क्या ये सच है या जी। मतलब ऐसा भी हुआ है कि करीना कपूर की शादी की अफवाह चल रही है सैफ के साथ, हाँ, और करीना ने फोन उठाया है, हमने चैनल पर चलाया है कि नहीं नहीं ये जो सब खबरें हैं गलत हैं, और ये बहुत कॉमन सिनेरियो था। आपको याद होगा एक वो बड़ा उस जमाने में शाहिद और करीना का एक एमएमएस कुछ लीक हुआ था, और शाहिद ने फोन पर आकर स्टार न्यूज को फोन पर इंटरव्यू दिया था, करीना ने दिया था। आज आप कोई न्यूज चैनल उठाकर देख लीजिए, कौन सा सेलिब्रिटी है जो आकर फोन पर कंफर्मेशन देता है, वो टाइम ही ऐसा था। मोबाइल फोन, ये एसएमएस, ये सब तब व्हाट्सएप नहीं था सर, ये सब चीजें नहीं थी। एक दिन गलती से खबर ये आ गई कि बच्चन साहब के घर में ना कुछ सिलेंडर में कुछ आग वाग लग गई, कुछ बहुत छोटी सी खबर थी। मुझे हैरानी है कि बच्चन साहब को जब मैसेज भेजा गया उन्होंने खुद उस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ ये छोटा सा हादसा था, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, पूरा हिंदी में लिख के प्रॉपर जैसी उनकी हिंदी है। मैं मतलब वो उस जमाने का मैं साक्षी रहा हूँ, सेलिब्रिटीज बकायदा जी हाँ अपनी तरफ से खुद कंफर्म करते थे कि ये सही है या ये गलत है। मैं आपको बिल्लू बार्बर का एक किस्सा बताता हूँ, शाहरुख खान का। बिल्लू फिल्म जिसमें शायद बाबर शब्द जुड़ा था, फिर हटा दिया गया क्योंकि उस पर बड़ा बवाल हुआ था, इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी शाहरुख खान के घर मन्नत में, और वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो शाहरुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या नहीं, क्योंकि देश में बड़ा बवाल हो रहा था, कई एसोसिएशन थी जो बवाल कर रही थी। मैं शाहरुख खान की जो पीआर थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनको काफ़ी मैसेज कर रहा था कि आप मुझे बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या नहीं हो रही है, वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो मैंने थोड़ा खीज में आकर शाहरुख खान को मैसेज भेज दिया कि सर आपकी जो पीआर है वो कन्फर्म नहीं कर रही है, अब मैं क्या चलाऊँ चैनल पर, मुझे तो चलाना है ना कोई खबर, हम तो भूखे लोग हैं न्यूज़ के। शाहरुख खान ने पलट कर फ़ोन किया, ये कहा कि मन्नत में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पीआर का नाम दिया कि तुम उसको भी बता देना। ये वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये सब होता था। आज की जो जनरेशन है थोड़ा क्लोज नीट था, आज की जनरेशन इन चीजों को मानेगी नहीं, लेकिन ये होता था। आपको लगता है ये फिर से होगा? मुझे लगता है होना चाहिए, और इससे पहले एक और काम होना चाहिए बॉलीवुड में, क्योंकि मैं बॉलीवुड कवर करता हूँ, जो इनोवेटिव स्टोरी आइडियाज़ हैं वो कहीं ख़त्म हो गए। मतलब कहानी कहने के नए तरीके, अब अगर आप घिसे पिटे फार्मूला पर फिल्में बनाते रहेंगे वो अच्छा, आप फिल्म अच्छा, फिल्म मेकिंग न्यूज़ की बात, न्यूज़ की बात मेकिंग, हाँ, अच्छा ओके ओके, कुछ नई तरीके का सिनेमा चाहिए आप, जो पहले ना कहा गया हो या जिस तरह से ना कहा गया, या नए एक्टर्स चाहिए, नए एक्टर्स, मैं और खुलकर कहता हूँ, नए एक्टर्स, नए राइटर्स, नया ट्रीटमेंट, नए डायरेक्टर्स, न्यू एज जो क्रिएटर्स हैं उनको भी आना चाहिए। देखिए आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस बात को कि हर फिल्म मेकर की फिल्म बनाने की एक खास एक टेक्निक होती है, जैसे घई साहब का सिनेमा अलग है, भंसाली साहब का अलग है, महेश भट्ट का अलग है, और ये सब बड़े महान फिल्म मेकर्स हैं, मैं इनकी कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन हो गया, अभी हमें कुछ नया भी तो चाहिए। न्यूज़ चैनल पर खबरें आती हैं, कभी आप ए लगाते हैं, बी लगाते हैं, सी लगाते हैं, डी लगाते हैं, सब पे कहने का तरीका तो अलग होता है, कुछ चेहरे तो अलग होते हैं, कुछ बातें तो अलग होती हैं, तो वैसे ही फिल्म में कुछ नयापन अलग, लेकिन सब जगह न्यूज़ भी तो वही होती है। आप मैं सही कह रहा हूँ, देखिए लव स्टोरी बनेगी ना,
हम ले दे कि हमारे इमोशंस क्या हैं, या तो आप हॉरर बनाओगे, कॉमेडी बनाओगे, रोमांस बनाओगे, फैमिली ड्रामा बनाओगे, हॉरर थ्रिलर, यही होगा, लेकिन कुछ कहने का तरीका तो अलग होगा। मतलब ठीक है, रोमांस तो आज से 50 साल पहले भी लोगों को प्यार होता था, आज भी होता है और शायद 50 साल बाद भी होगा। मुझे कल भी हुआ था कुछ को रोज भी होता है तो लेकिन वो अलग अलग कहानियां हैं। सो अब मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमने बात की थी जर्नलिज्म की, हमने बात की पीआर की, तो ये जो जर्नलिस्ट्स हैं या जो ये पीआर है, ये सेलिब्रिटीज के लिए, उनकी इमेज के लिए पॉजिटिविटी है कि नेगेटिव है? शुड द सेलिब्रिटीज टेक कंट्रोल, या जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, या पीआर एजेंसीज कंट्रोल कर रही हैं, या अब आर्टिस्ट को खुद कंट्रोल मैनेज अपना करना चाहिए? नासिर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ी देर के लिए लिबर्टी ले रहा हूँ। आप एक एक्टर हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और मुझे आपके बारे में जानना है, इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो आपके बारे में आपसे ज्यादा अच्छा जानता है? नहीं, लेकिन वो भी बात हो सकती है ना कि मुझे अपने बारे में क्या प्रोजेक्ट करना है, शायद मैं वो ना कर सकूं, तो आई हायर समबडी कि भाई मेरी एक इमेज मेकिंग आप कर दो, तो वो डिसाइड करेगा कि भाई अग्री ये आपको बोलना चाहिए। अग्री, क्या ये काम इस लेवल पर नहीं हो सकता कि आप हायर कीजिए? बिल्कुल कीजिए, हर किसी को हक है अपनी इमेज बनाने का, अपने बर्तन ठोकने का कुछ भी करने का हमारा इंटरव्यू खराब करने का, नॉइस को डिस्टर्ब करने का, संडे में आवाज करने का अपने भी अगर कोई बर्तन है तो दे दो बात हो रही थी कि पीआर को क्या कोई स्टार हायर नहीं कर सकता अपनी इमेज बनाने के लिए? बिल्कुल कर सकता और करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीआर को आप हायर कीजिए, उसके साथ एक बंद कमरे में मीटिंग कीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि मैं मीडिया के सामने जाकर ये ही बोलूंगा। लेकिन आपके बिहाफ पर जब पीआर बोलने लगता है, जब जर्नलिस्ट और सेलिब्रिटी के इंटरव्यू के बीच में पीआर आपको हाथ दिखाकर रोकता है, ये क्वेश्चन मत पूछो, वो क्वेश्चन मत पूछो, वो आपकी इमेज को खराब कर रहा है। ऐसा होता आप है पहले से? हाँ बिल्कुल होता है। मैंने कितने इंटरव्यूज ऐसे किए हैं जहां पे जैसे सपोज आप हैं ही, आप एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, आप बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, और आपके पीछे खड़ा है आपका पीआर जो मुझे बोल रहा है हाँ कट 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 कट, इशारे से कट कट, नो नो नो, ये सब चलता है। और अगर आप पूछते रहे तो उसके बाद वो थोड़ी देर में तो इंटरवीन करके आ जाएगा, नाउ इट्स ओवर, और आर्टिस्ट को जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिस्ट तो देखिए वहां पर ये शो करता है कि देखो मैं तो मजबूर हूं इसके हाथों, ये मेरा पब्लिसिस्ट मना कर रहा है तो मैं कैसे बोलूं, मैं तो तुम्हें गले लगाना चाहता हूं पर ये मुझे रोक रहा है, तो वो वहां पर नाटक होने लगते हैं। मैंने एक बार करीना कपूर को पूछा था, जब भी मेट से पहले की बात है, शायद मुझे कुछ मसाला खबर चाहिए होगी या मुझे कहीं ऊपर से फ़ोन होगा, ऊपर मतलब मेरे चैनल के दफ्तर से, कि यार कुछ हेडलाइन निकाल कर लाओ। और जब भी मेट से पहले खबरें ये आ रही थी कि करीना कपूर के पास काम नहीं है, तो मैंने करीना कपूर को साफ पूछा कि सुना है आजकल आपके पास काम नहीं है, आपको फिल्में ऑफर नहीं हो रही। करीना कपूर को बहुत गुस्सा आया मेरे ऊपर, उन्होंने उसका जवाब भी दिया, जवाब उनका ये था कि हाँ शायद आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, और वो थोड़ा सा ऑब्वियसली वो गुस्से में आ गई थी और शायद मेरे चैनल को वही गुस्सा चाहिए था। वो इंटरव्यू तो खत्म हो गया, उसके बाद जो उनका पीआर था उसने जो मेरे साथ किया वो तो मैं ही जानता हूँ ना कि क्या हुआ। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मतलब कई जगह पर हम लोग भी बहुत रिसीविंग एंड पर होते हैं, मैं यहाँ पर खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार आप नौकरी के दबाव में ऐसा करते हैं। तो अब तो आप नौकरी नहीं कर रहे, अब आप अपना खुद का चला रहे हैं जी, अब आपने एक नया मीडियम शुरू कर लिया है जहाँ आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, आप इसके जरिए आप अपनी न्यूज पेश कर रहे हैं जी। तो मैं अब ये उज्जवल त्रिवेदी से जानना चाहूंगा, तो पहले आपको एज अ पर्सन प्रोफेशनली अच्छा लगता था या अब ज्यादा अच्छा लगता? मुझे अब ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब कोई रोक मतलब मेरा अगर कोई गुनाह है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, और मैं अगर अपनी बात कह रहा हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मतलब मैं हर चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे आपके इंटरव्यू में मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं, तो ये वो नाम है जो जिनका मैं गवाह बना हूँ, मतलब मैं किसी का सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके सामने वही रख रहा हूँ जो मैंने देखा है या जो मेरे सामने घटा है, और यही काम मैं अपने चैनल पर करता हूँ। और ऐसे इन चीज़ों में नाम लेना कोई बुरी बात नहीं, बिकॉज ये फैक्ट चीज़ है, ये तो फैक्ट चीज़ है, और उस जमाने में ऐसा ही होता था, यही दस्तूर था।
शायद लोगों को नहीं पता, एक बार स्वदेश की शूटिंग चल रही थी, वाई गांव है यहाँ पे सातारा के पास में जहाँ बहुत सारी शूटिंग होती हैं, तो मैं शाहरुख खान को SMS कर रहा था कुछ खबर कंफर्म करने के लिए। हम लोग अक्सर ऐसे ही मैसेज किया करते थे, ये बहुत आम बातें थी, और शाहरुख के जवाब जो थे वो एक एक दिन बाद आ रहे थे। तो मतलब मैंने उनको पूछा कि मैंने तो आपको सवाल ये कल पूछा था, इतना लेट आपने रिप्लाई किया, तो मतलब क्या रीज़न है कि आप बहुत बिजी हैं क्या? तो उन्होंने पूरा बताया कि मैं यहाँ वाई गांव में हूँ, मेरी स्वदेश फिल्म की शूटिंग चल रही है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, कभी कभी नेटवर्क मिलता है। आप सोचिए शाहरुख खान ये सब बात कर रहा है, मैं प्रियंका चोपड़ा को उसका बर्थडे विश कर रहा हूँ और उसका जवाब दो दिन बाद आ रहा है, और मैं उसको नाराज़ हो रहा हूँ कि आपने मुझे दो दिन बाद रिप्लाई किया। वो बता रही कि नहीं मेरे पापा की तबीयत ख़राब है तो मैं उनके साथ हूँ, तो मेरा फ़ोन अभी ऑफ था, ये था। तो मैं आपको जानबूझ के कन्वर्सेशन बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग जब इसको सुनेंगे ना तो लोग इसको विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये आप बिल्कुल सही करेंगे, लोग यकीन नहीं करेंगे, ऐसा झूठ बोला ऐसा थोड़ी, एग्जैक्टली, पर ऐसा होता था, ऐसा होता था भाई, और ऐसा ही होता था। आज भी मैं दो नाम लेना चाहूंगा, हालांकि अब मैंने मैसेजेस करना कम कर दिया है, फिर भी दो नाम ऐसे हैं कि अगर आप उनको मैसेज करेंगे तो जवाब आता है। एक हमारे बच्चन साहब और एक उनकी बहू रानी, ये दो नाम ऐसे हैं कि अगर आपने इनको मैसेज किया है भले दो दिन लेट रिप्लाई आएगा लेकिन रिप्लाई आएगा न्यूज़ कन्फर्म करने के लिए, या अगर आपने कोई उनका बर्थडे विश भेजा है, दिवाली विश भेजा है, कुछ उनको ग्रीट भी किया है तो उसका भी जवाब आएगा। और एक और बात, बच्चन साहब की तो एक और खूबी है, उन्हें हिंदी में मैसेज कीजिए वो हिंदी में जवाब देंगे, अंग्रेज़ी में कीजिए अंग्रेजी। मैं हिंदी भी, मतलब मैं मोबाइल पर कई बार हिंदी लिख लेता हूँ, हिंदी तो मतलब मेरी ज़्यादा वैसी भाषा रही है, तो वो हिंदी में बिल्कुल देवनागरी में लिख कर जवाब देंगे। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक, चलिए मैं कुछ ऐसी सवाल पूछूंगा, कौन सा एक्टर है जिसका आपको बड़ा अफसोस आ रहा है कि इसका मैंने कभी इंटरव्यू नहीं किया, कोई भी नया पुराना एनी बडी, हुज अलाइव हुज पास्ट अवे? दिलीप कुमार साहब, आपने कभी उनका इंटरव्यू नहीं किया? कभी इंटरव्यू नहीं किया, मिला मैं उनको पर इंटरव्यू नहीं किया। एक रेखा जी मिला पर इंटरव्यू नहीं किया, इंटरव्यू नहीं किया। तो अगर रेखा जी, अगर आप मेरा ये शो देख रही है, मुझे देख रही है, तो हेलो, आई एम नासिर, मैं आपको बचपन में मिल चुका हूँ, शायद आप मुझे नहीं पहचानती, मेरे साथ आज उज्जवल त्रिवेदी जी हैं, तो प्लीज़ मैं इंटरव्यू दे दीजिए। थैंक यू मैंने आपका काम कर दिया, सिफारिश कर दिया। अब अगर वो देखेगी तो दे हो सकता है, अगर नहीं देखेगी तो देन इट इज़ नॉट माई थिंग, आई हैव डन योर जॉब फॉर यू। सो माई क्वेश्चन टू यू इज, सो ये कि दिलीप अंकल का आपने नहीं किया, रेखा जी का आपने नहीं किया, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यू हैव डन, हाँ ज़्यादातर तो किया ही है, किसके इंटरव्यूज करने में मज़ा आया, या कौन है मज़ा, ही इज गुड फन यार, इसके साथ मज़ा आता है इंटरव्यू में? शाहरुख खान, ओके, देवानंद साहब, दीपिका पादुकोण को भी इंटरव्यू मैंने, अच्छा मैं एक और मेंशन करना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण का फर्स्ट एवर टीवी इंटरव्यू मैंने किया था उनकी फिल्म की रिलीज से पहले, ओम शांति ओम का म्यूजिक रिलीज था दुबई में, तब तक उनका वो हाथ हिलाने वाला ही प्रोमो चल रहा था, आंखों में तेरी गजब की गजब सी अजब सी गजब सी अदाएं, तो पहला इंटरव्यू था उनका, वो मैंने स्टार न्यूज के लिए किया था 2007। तो दीपिका के साथ भी इंटरव्यू करने में काफी अच्छा लगता है। एंड व्हिच एक्टर्स आर डिफिकल्ट टू इंटरव्यू? ऋतिक रोशन, खुलते नहीं है वो, वो बड़ा ही लिमिटेड सा रिप्लाई, आप उसके बाद सोचना पड़ता है इनसे अगला क्या पूछो। ऋतिक रोशन को इंटरव्यू करना थोड़ा सा पेन मुझे लगता है, बट अदर्स आर ओके टू इंटरव्यू। यस, कैटरीना कैफ का भी वही है, वो खुलती नहीं है, या शायद मेरे साथ नहीं खुली होंगी, तो ये दो मुझे टफ लगे हमेशा, ऋतिक रोशन और कैटरीना। एंड आज जो आप जर्नलिज्म का दौर देख रहे हैं जिस तरीके से हो गया, बिकॉज सब अपनी न्यूज बना बना के बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे न्यूज आ जाती है, किसी का भी चैनल खोल दो, सब अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं कि आज पता है ये हुआ, सो आर दे जर्नलिस्ट, शुड पीपल बिलीव दैट? सर आप, एंड यू थिंक दे शुड बी अलाउड, या उसको कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूंगा। पहली बात, न्यूज जो होती है वो एक लाइन की होती है, मतलब एक खबर होती है ना, आजकल जो चल रहा है ना उस खबर की परत दर परत, उसमें कुछ अपने ओपिनियन मिला मिला कर वो चल रहा है, उसको क्या होता है कि वह न्यूज़ तो एक लाइन की होती है, आज बच्चन साहब का बर्थडे है, ये न्यूज़ है। अब उसमें फिर 50 चीज़ें हैं, कितने लोग आए थे, कहां से आए थे, किसने क्या दिया क्या नहीं लिया, वहां ऐश्वर्या थी नहीं थी, अभिषेक ने, ये सब जो है ना उसके बस
एक्सटेंशन हैं जहाँ पे लोगों के अपने ओपिनियन आ जाते हैं, अलग अलग वर्सेज आ जाते हैं। तो आजकल हो क्या रहा है कि न्यूज़ के साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत खुलकर। न्यूज़ तो सब भूल गए। असल में एक और बात आपको बताऊँ, न्यूज़ किसी को चाहिए नहीं, सबको चाहिए मसाला। आप अगर एक लाइन की खबर बता दें, एक लाइन की खबर तो ट्विटर पर भी आ जाती है, एक लाइन की खबर है ये, सिंघम अगेन हिट हो गई, एक लाइन की खबर है ये न्यूज़ है। भूल भुलैया 3 को इतने का कलेक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद जो शुरू होता है ना बवाल, उसने ये किया था, वो किया था। अभी करण जौहर के बारे में खबर थी कि भाई आधार पूनावाला ने 50% स्टेक ले लिया, एक लाइन की खबर है। अब उसमें नीचे अंदर पूरा मसाला है, क्यों बेचना पड़ा, क्या हो गया था, ये हो गया था, फला फिन फ्लॉप हो गई थी। खबरें मिलती कहां से आप लोगों को? ये तो देखिए, ये सब कहां से निकालते हैं? ये जो चीजें हैं ना, ये एक लेवल तक तो एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर घुस जाता है अपना ओपिनियन। तो आपके पास कोई खबरी लोग हैं जो खबर आपको देते हैं? अब खबरी लोग बहुत कम रह गए हैं, लेकिन हाँ तब भी हैं। कम रह गए मतलब पहले होते थे? पहले बहुत होते थे। हाँ, मतलब उनके अंदर के ग्रुप के लोग। देखिए खबरें आती थी ड्राइवर्स से, खबरें आती थी मेकअप आर्टिस्ट से, खबरें आती थी हेयर स्टाइलिस्ट से, खबरें बहुत तरह से आती थी। पता है आज दीदी से मिलने कौन आया था? ये होता था, ये सब होता था। और तब सेल फोन इतने कॉमन नहीं थे, तब आपको पर्सनली जाना पड़ता था, मिलना पड़ता था। तो हेयर ड्रेसर या मेकअप आर्टिस्ट या उनके पास? जी हाँ। आप देखिए क्या होता था, एक और चीज होती थी पहले जो अब नहीं होती है, पहले ऑन लोकेशन बहुत होते थे, लाइक शूटिंग कवरेजेस। उस टाइम पे आपके पास पूरा मौका होता था इन लोगों से दोस्ती करने का, बिकॉज आप वहाँ 3-4 घंटे होते थे। आप पूरे टाइम तो आपका ठीक है, कैमरामैन लगा हुआ है, वो शॉट्स ले रहा है, लेकिन आप फ्री हो, आप नज़र रख रहे हो चीज़ों पर, आप मिल रहे हो, दोस्ती कर रहे हो, बात कर रहे हो। अभी ऐसा नहीं है कि बच्चन साहब के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं मुझे कुछ बता रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ कैजुअली बात कर रहे हैं, बात करते करते कुछ ना कुछ निकल जाती इन्फॉर्मेशन, फिर आप उसमें 2 और 2 4 5 जोड़ लेते हैं। फिर आपने इससे कुछ पूछ लिया, अरे यार वो अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये सब चीजें होती हैं और ये अकेला मैं नहीं करता हूँ, बहुत लोग करते हैं। तो ये सिखाया जाता है या एक आदमी के नेचर में होता है? ये आ जाता है आपको, आपको जब आपके इन्फॉर्मेशन खींचना, आपके जब सर पर तलवार होती है, ये खासकर तब होता है जब आप नौकरी कर रहे होते हैं। अभी जैसे जिस स्पेस में अब मैं हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी अगर खबर है तो उसकी एनालिसिस करता हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। अभी 20-22 साल का एक्सपीरियंस भी है, पता है कौन कैसा है, किसकी क्या फितरत है, क्या आदतें हैं, क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। इन्फॉर्मेशन आपको मिलती कहाँ से, कहाँ से आप ये, बिकॉज आप रोज इन्फॉर्मेशन डालते हैं, आप हर 2-3 घंटे में आप चीजें अपलोड करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। ये देखिए क्या होता है कि आप जब किसी चीज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, आप उसकी हर छोटी चीज पर नजर रखते हैं। इन्फॉर्मेशन के सोर्स बहुत सारे होते हैं, कुछ पब्लिक डोमेन भी हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप कुछ पुराने आर्टिकल पढ़िए, कई बार आप कुछ कोई ऐसी ऑटोबायोग्राफी किसी की पढ़ रहे हैं, बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई किस्सा वहाँ से निकला हुआ पढ़ रहे हैं, किसी का इंटरव्यू आप देख रहे हैं, उसका रेफरेंस कहीं से मिल गया, तो मतलब ये कहते हैं ना, एक एक रेशा 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 आपको मिलता है, फिर उसके बाद बुना जाता है। जब आपको 4-5 चीज़ें मिल जाती हैं तो अच्छा ये ओके ये हुआ। जैसे हिस्टोरियंस होते हैं ना, जो कहते हैं ना कि अरे मुगल काल में फलां हिस्टोरियन ने ये लिखा है, अच्छा अकबरनामा में ये लिखा है, तो ये लोग भी वहीं से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो आपका जो करियर था, बरेली से शुरू हुआ, दिल्ली गए न्यूज़ चैनल में तबेले के ऊपर, यू नो रात भर चटाई पे सोना, तो होल जर्नी, वो जो 3,000 करोड़ का एम्पायर आप छोड़ के यहाँ छोड़ कर आया हूँ मैं, exactly, शायद अभी भी आओ मिल जाए, छोड़ के या आए मेरे साथ धूप पे बैठे हैं। तो और अब आप खुद का, आई विल नॉट से खुद का न्यूज़, बट आप खुद न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, तो वेयर डू यू सी योर फ्यूचर और वेयर वुड यू वांट टू टेक योर फ्यूचर? नासिर, मैंने जब से मतलब होश संभाला, खुद को एक जर्नलिस्ट के तौर पर ही इमेजिन किया, ऊपर वाले की कृपा से बच भी गया, ठीक ठाक जीवन बीत गया प्रोफेशनल लाइफ में, और अभी मुझे लगता है कि उम्र तो आपकी इतनी है नहीं, सिर्फ बाल आपके न्यूज़ ने सफेद कर दिए, न्यूज़ ने सफेद किए हैं। अभी ये लगता है कि ठीक ठाक, अभी ना भी कुछ नहीं, स्टिल हैव अनदर 40 इयर्स टू वर्क। अभी लगता है कि बस मैं कुछ और कहानियां अगर सुना सकूं। अच्छा, मैं अपने बॉलीवुड चैनल के अलावा एक काम और करता हूं फेसबुक पर, मैं कुछ क्राइम की कहानियां सुनाता हूं, सच्ची कहानियां, जो मुझे कहानी सुनाने का भी शौक है, स्टोरी टेलिंग का, मुझे स्टोरी टेलिंग करता हूं, और उसमें मैं मोस्टली मिस्ट्रीज लेता हूं, पुनर्जन्म की कहानियां मैंने सुनाई हैं, या फिर क्राइम जो हीनियस क्राइम होते हैं उनकी कहानियां,
तो ये सारा शौक भी है मेरा, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं तो सिर्फ नैरेटिव होता है वो, हाँ जो ये सारी मुझे जो न्यूज़पेपर से मैं निकालता हूँ। और ये हम कहाँ देख सकते हैं? आप फेसबुक पर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैं कभी कभी डालता हूँ उस बॉलीवुड के बहुत सारी वीडियो के बीच में, आपको बीच में एक आध क्राइम का कुछ मिल जाएगा। किसी को YouTube या Facebook या Instagram या Twitter पर देखना तो कहाँ देख सकते हैं? आप उज्ज्वल त्रिवेदी Facebook पर जाइए, आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। आप उज्ज्वल त्रिवेदी YouTube पर जाइए, लेकिन हाँ मेरे चैनल पर जो ज़्यादातर कंटेंट है वो बॉलीवुड का है, पर बीच बीच में मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, जैसे बीच बीच में इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, लेकिन उसी चैनल पर सब कर रहा हूँ। सो आगे चल के क्या आप चाहेंगे कि मैं यंग एंथुजियास्टिक लोगों को हायर करके गिव देम एन अपॉर्चुनिटी या उनको ट्रेन करके? बिकॉज जैसे मैं मेरी जो समझ में आ रहा है कि एक यंग उज्ज्वल त्रिवेदी का बबल बर्स्ट हुआ कि मुझे तो ये करना था पर अब मुझे बोला जा रहा है कि ये करने के लिए, मैं तो ये छापा था अब वो उसको वैसे छाप रहा है, नहीं 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 नहीं। तो आई एम श्योर आप लास्ट रहे होंगे उन जर्नलिस्ट, आजकल तो सबको सब पता है, अभी किसी का बबल बर्स्ट नहीं होता, किसी का बिकॉज सबको सब पता है, एवरीबडी नोज हाउ टू प्ले द गेम, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट के अरे मैं तो ऐसा सोचा था और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आई थिंक आप वो 90s के जो दौर के बच्चे हैं वो लास्ट रहेंगे जिनका अरे मैं तो ऐसा सोचा था बट ये ऐसा होता है। तो कहीं आपको लगता है कि वो जिसने दैनिक भास्कर में लेटर लिखा था वो कहीं खो गया है? मुझे अगर मौका मिला तो जो आज के यंगस्टर्स हैं मैं उनको बिल्कुल कहते हैं ना कि जो जर्नलिज्म के जो बेसिक्स हैं वो सिखाना चाहूँगा अपने तरीके से। वैसे तो किताबों में बहुत लिखा हुआ है, आप जाइए दुनिया जहान में किताबें हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है मैं उसको आगे देना चाहूँगा जो नई पीढ़ी है। तीन चार पॉइंट्स क्या सीखा है? सबसे पहला तो ये कि जो है उसको वैसा समझो, उसको समझते समय मिलावट नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा फेवरेट है ये मुझे पसंद नहीं है। क्या होता है ना कि आपके बहुत सारी चीज़ें प्री कंसीव नोशन चल रहे होते हैं, अच्छा ये तो मुझे मेरा ये फेवरेट नहीं है तो मैं इसके बारे में उसकी खाल उधेड़ने वाला। पहले आप अगर सिर्फ इतना कर पाए ना कि जो हो रहा है उसको वैसा समझ पाएं, सिर्फ वैसा बिल्कुल न्यूट्रल होकर। आजकल न्यूट्रल होना सबसे मुश्किल हो गया है, तो सबसे पहली सीख तो है न्यूट्रल होना, और फिर आपके पास सवालों का एक पुलिंदा हो जो खुद आप पूछें उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, आप खुद से पूछे पहले? पहले तो सवाल मेरे अंदर तैयार होंगे तभी तो मैं सामने वाले पे। और आपको उनके जवाब सोचने हैं? जवाब नहीं सोचने हैं, सिर्फ सवाल पूछने हैं, सवाल सोचने हैं ताकि आप उसको हर एंगल से कवर कर पाओ। एक घटना हो गई, घटना आपके सामने पड़ी है, घटना आपने देख ली, घटना हो गई है, अब इसको चारों तरफ से आपको सवालों से घेरना है और हर सवाल जो है इसके अंदर से सच्चाई निकालने वाला। अगर इतनी ट्रेनिंग हो गई और इतना आ गया तो फिर बस ईमानदारी से उसको बता देना है, जिसमें हो सकता है कि आपके मन में कुछ जो चल रहा है वो इसका पार्ट ना हो लेकिन उसकी शिकन आपके चेहरे पर या आपकी बातों में ना हो, क्योंकि आप एक मीडियम है, मीडियम आपके थ्रू चीज़ें बाहर आ रही हैं पर उसमें मिलावट का पाइप नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। तो मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगा, तो क्या आप चाहेंगे कि यंग लोगों को गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, मौका कि आपके फेसबुक पे चैनल पे जो इतने सारे फॉलोअर्स हैं कि भाई ये अभी 4 बजे की न्यूज़ ना आप पेश करो? मैं चाहूँगा कि जो नए बच्चे हैं, नया टैलेंट है, वो सीखे और अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार करे, क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं उनको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ तो वहाँ मैं एक तरह से उनको बैसाखी दे रहा हूँ। तो ये जो जर्नी है नीचे से लेकर ऊपर आने की, उसका वो पार्ट नहीं रह पाएंगे। अगर एक बच्चा अपने पहले खबर से शुरू करता है उसको टाइम लगेगा, 6-8 महीना लगेगा। यंग बच्चे हैं आप, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम देंगे ना इसकी अपनी अलग कीमत है। अगर मैं एक प्लेटफॉर्म देता भी हूँ आपको, चलिए मैंने एक स्लॉट रख दिया कि 4 बजे का 5 बजे का, हो सकता है वो ट्रेनिंग स्लॉट हो आपके लिए, लेकिन आपको जर्नी अपनी वहीं से शुरू करनी है। आपने सोचा ये शुरू करने का? आपके कहने पर मुझे ख्याल आ रहा है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अगर कोई मुझसे टकरा जाता है तो मैं उसको बताता जरूर कि देखो बच्चे ये करना है, ऐसे करना होता है। तो आते हैं आपसे, टकराते हैं लोग, टकराते रहे लोग। हाँ मतलब अभी जो लोग आए हैं वो किसी के वाया वाया थ्रू थ्रू आए, कोई मेरे फ्रेंड का बेटा आ गया या उस तरह से आ गया जो जानते हैं,
अननोन लोगों ने तो अभी नहीं कॉन्टैक्ट किया ऐसे सीखने के लिए, लेकिन हाँ जो जान पहचान के लोग आते हैं मैं उनको बताता हूँ भाई ये जर्नी ऐसे शुरू करनी है, और हर एक की जर्नी अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि जो मैंने किया वही सबसे सही था, मैंने भी तो 50 गलती की है, पहले तो गलती करो ना, वो तभी तो सीखोगे, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। उज्ज्वल मजा है, मुझे भी बहुत मजा आया और मैं ये मजा बरकरार रखूंगा, दोबारा बुला के बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो जाने के पहले आप कुछ कहना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं और वाकई न्यूज़ देखना चाहते हैं तो न्यूज़ को न्यूज़ की तरह लें, उसमें अपने प्री कंसीव्ड नोशंस ना मिलाएं कि अच्छा ये तो मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ तो मैं इसके बारे में अच्छा नहीं सुनूंगा, या मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ तो मैं इसके बारे में ख़राब नहीं सुनूंगा। मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ भी घटित हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। आप हमारे मैं ओशो को बहुत फॉलो करता हूँ, ओशो ने एक बात कही है जो मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रखी है, सहज रहें। सहज रहना क्या है? जो है जैसा है, अच्छा बुरा में जाना ही नहीं है। अभी दिन है, अभी हो सकता है मुझे दिन पसंद हो सकता है ना हो, वो अलग चीज़ है। दिन है, है। लेकिन गरम है। तरह लो। लेकिन गरम गरम सोचो यही स्विट्जरलैंड में होता तो, जाओ दिल्ली जाओ 3,000 करोड़ के एम्पायर बनाओ और हमें लेके चलो स्विट्जरलैंड सबको, हम वहां जाके दोबारा इंटरव्यू करेंगे आपका। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल, मजा आया, एंड आई शैल बी बैक वेरी वेरी सून। कीप वॉचिंग बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। मजा आया सर, मजा आया।